हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान अगर आ गए हैं पीरियड्स, तो जाने कैसे करें माँ की पूजा। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बने इस बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करें उस वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँच जाए और आप उस वीडियो का फायदा उठा सकें। तो चलिए जानते हैं। नंबर एक, पीरियड्स के दौरान ना करें उपवास, यानी कि पीरियड्स के दौरान ना रखें ये व्रत। दोस्तों, अगर आपके पीरियड्स आसपास हैं या फिर आने वाले हैं, तो ऐसे में आपको 9 दिनों के व्रत से दूर रहना चाहिए। ऐसे में यदि आपको लगता है कि 9 दिनों के बीच पीरियड्स की डेट पड़ सकती है, तो आपको पहले से ही इसका ध्यान देना चाहिए। अगर आप व्रत रखना चाहते हैं तो पहला और अष्टमी का फास्ट रखें। नंबर दो, कलश से बनाए दूरी। अगर आपको पीरियड्स आने वाले हैं, तो ऐसे में आप कलश की स्थापना ना करें, क्योंकि कलश स्थापना करने के कई सारे नियम होते हैं। हालांकि अगर कलश स्थापना हो चुकी है तो आपको कलश से दूरी बनाए रखनी है। ऐसे में अगर घर में कोई और भी है तो आप उनसे पूजा करवाइए और कलश की देखरेख का काम करवाइए। नंबर तीन, भोग ना बनाए। दोस्तों, पीरियड्स के दौरान आपको माता रानी के लिए भोग नहीं तैयार करना चाहिए। अगर पूजा हो रही है घर में, तो आप सारी चीजों से दूर रहें। जिस समय आपका मासिक धर्म यानी कि पीरियड्स खत्म हो जाएं, तो उस समय नहाकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर आप माता रानी की पूजा कर सकते हैं। नंबर चार, ऐसे पढ़े दुर्गा पाठ। यदि आप नियम से रूप दुर्गा माता का पाठ करना चाहती है और इसी बीच आपको पीरियड्स हो जाए, तो आपको ये पाठ अपने मोबाइल पर पढ़ना चाहिए, जिससे पाठ खंडित ना हो। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलूंगी एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।